ये सेक्टर 8 की घटना है। एक नीरज गोयल पब्लिक हेल्थ का ठेकेदार है और ये सेक्टर 8 में रहता है और इसने अपने घर के पास ही एक मकान में अपना ऑफिस बना रखा है, जो हरियाणा में बूस्टर पे क्लोरीन सप्लाई का काम करता है और इसके पास करीब 20-22 आदमी काम करते हैं। और इसने 8 लाख रुपया अपने शादी में शगुन के लिए मंगवाया था और जिसको अपने दराज में रख दिया था। और इसके पास एक दीपक नाम का लड़का, जो इसके पास सिविल इंजीनियरिंग है, वो ड्यूटी भी करता है। और इसने उस दराज से पैसा चुरा लिया था और इसने अपने घर पे ले गया था, जो बाद में हमारे पास ये 21 अप्रैल को आके पता चलने पर हमारे पर्चा दर्ज करवाया, जो हमने इसके सभी कर्मचारियों से बारी बारी पूछताछ की। और जो ये दीपक नाम का लड़का अपनी बात को बदलता रहा, फिर हमने जिससे सख्ती से पूछताछ की, इन्हें अपना जुर्म चोरी कबूल लिया और हमने इससे 8 लाख रुपये रिकवरी की। सर, बताया जा रहा है पहले भी वहां पे चोरी हुई थी, उसको लेकर भी क्या कुछ इससे पूछताछ की गई? हाँ, एक मार्च महीने की भी घटना है। वहाँ भी जब भी इसने 2.5 लाख रुपये चुराए थे, उस संबंध में भी अलग से पर्चा दर्ज किया गया है और वह चोरी की घटना भी इसने मानी है, उसमें भी अलग से रिकवरी की जाएगी। रिकवरी सारी हो चुकी है? हाँ, जो 185 नंबर FIR है, जो 8 लाख रुपये की, उसमें पूरी 100% रिकवरी हो चुकी है। और जो 2.5 लाख रुपये की रिकवरी है, उसमें अलग से रिकवरी की जाएगी।